it is another funny story. Please, ma'am. We all are up for it. Please, go ahead. His ex bent back to her ex. Oh, shit, bhai. Are yaar, kya kataoge? सही है। क्या क्या क्वेश्चन है? यू गाइस अ कपल, आप तो हो ही, अब तो क्या ही बोलना। यू गाइस अ कपल, कपल मतलब शादीशुदा। अरे छोड़ो, रोका फाइट। ओ, एक्सप्लोरिंग फेस है ये तो। बहुत अच्छा टाइम होता है यार, क्योंकि थिन लाइन है ना, इट कैन गो इधर वे, तो बहुत अच्छी चीज है। कितना टाइम हो गया रोका हुए वे? लास्ट सैटरडे। ओ नाइस, तो अभी शादी तो 6 महीने बाद होगी ऑलमोस्ट, मतलब अभी डेट वेट भी डिसाइड नहीं किया, बहुत अच्छा टाइम है यार ये तो। और आपको पता है एक कमेडियन की सबसे लाइफ में किक किससे मिलती है, कि ऐसे कोई कपल आए और उनके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी कि वो, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐसी चिंगारी दूं और दोनों अलग अलग जा रहे हो, एक इस गेट से जा रहा हूँ, गेट से जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा यार ये तो। तो आप लोगों ने मतलब अपने सारे पास्ट की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर कर दी अभी तक? अच्छा, 5 साल से डेट करो? अरे तुम उनसे ज्यादा सीनियर हो यार, तुम क्या मेरे से बच्चों दी काट रहे हो यार, तुम तो मतलब अब एक दूसरे का खून इतना पी चुके हो गए, भाई बहन बन चुके हो यार तुम आपस में। ये गलत था, ये दिस वाज वेरी बैड, है ना? आप अकेले बैठे हो, आप क्या कोने में बकचोदी करने जा रहे हो? आप लोग प्यार शेयर करते हो क्या आपस में? अलग-अलग। अच्छा, अलग अलग प्यार है ना, फिर ठीक है। वैसे बहुत 5 साल हो गया ना, तो अब तो यार मुझे लगता है शादी के लिए आगे नहीं हो गया था, मतलब 5 साल में तो यू हैव एक्सप्लोर्ड ईच अदर थरली। हाँ, तो अब तो यू शुड मतलब डोंट, मतलब जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं था कि थोड़ा एक बार इधर उधर मूव अराउंड करके थोड़ा, नहीं, ओह गॉड, व्हाट इज दिस? मुझे ऐसा लगा, एक सेकंड गाइस, मुझे ऐसे गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी फील आई कि कुछ था क्या ऐसा बीच में, ऐसा मुझे लगा थोड़ा सा। हाँ, क्या हुआ था आपके बीच, कुछ बीच में? मुझे ऐसा, देखो 5 साल में तो मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप हुआ होगा, है ना? मेजर वाला कब हुआ था, क्या रीजन था, बस वो बता दो। बता दो। देखो अब तो शादी होने वाली है, अब तो यार लेट बी ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चुप रहो यार, चुप रहो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बता ना यार, इट्स ओके। यस, ही वेंट बैक टू हिज एक्स। भाई ने जैसी कार्ड बटी थी मुझे लग गया था भाई। मैम सीआईडी असली यहाँ बैठी हुई है, इंटरोगेशन हमें आता है। ओह दैट्स नाइस यार, बट अब तो आई थिंक कम की बात है। इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज। 2020 वो लॉकडाउन था, इट वाज अ टफ फेस फॉर एवरीवन, नो वन इज मेंटली स्टेबल टू टेक अ गुड डिसीजन, सो इट्स ओके। बेनिफिट ऑफ डाउट, ऑब्वियसली यही मिल सकता, और कोई रीजन नहीं है। और कितना टाइम चला था वो? अरे यार क्या कटाओगे? COVID was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a call. फिर क्या हुआ? फिर आप वापस आ गए? घर वापसी हुई है भाई, घर वापसी हुई है। Oh nice. यही लड़ाई हुई होगी मेजरली। कितने टाइम चला था ये पूरा प्रोसेस? 6 महीने। और रीजन क्या था? If I may ask with all your permission, please. Reason? हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ प्लीज। बॉर्डर वाला सिचुएशन, घर पास, हाँ घर वाला। यार इसको चुप कराओ, ये अलग बगैती नहीं होती खत्म उसकी, प्लीज ना। अच्छा सीरियसली, आप कहाँ रह रहे थे? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन, हाँ प्लीज। गाजियाबाद। एंड मैम आप कहाँ रह रही थी? वेट, ये तो विद इन बॉर्डर है। हाँ, आपको बॉर्डर क्रॉस करना था? ये कैसी फैंटेसी थी तुम्हारी? कोविड में बॉर्डर क्रॉस करने के तुमने बंदी चेंज कर दी?
मतलब गुड़गांव में जाता तो तू बावला ही हो जाता किसी दिन. ओ माय गॉड, वाइल्ड फैंटेसी, दो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं. अच्छा बस यही था. नाइस यार. फिर कैसा फील हुआ जैसे आप उनके पास गए वो आगे चली गई, कैसा फील हुआ? मतलब ये तो अलग लेवल का, मतलब आप मतलब मेंटली तब हुई होगी तेरी कि मैं जो कोविड तो कुछ नहीं, ये है मैं जो दियापा जो जीवन में हुआ है. सही. हाँ कर्मा. नाइस यार. ओह आई लाइक द वे हाउ यू हैव सेड कर्मा. मैं जो नोएडा में रहकर कर्मा साले. शेर यार, कब है शादी फिर फाइनली? जनवरी तो जनवरी. तो मैम बस आप एक ही प्रे गए ना कि लॉकडाउन ना है. कुछ हो जाए लौंडा फैंटेसी के चक्कर में वापस. ये नाइस. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. स्काई जंपिंग, ये तो स्काई वही होगी है, स्काई जंपिंग ना. स्काई जंपिंग क्या होता है वो? स्काई डाइविंग टाइप्स कुछ हो. पैराग्लाइडिंग, वन ईयर वर्ल्ड ट्रिप, लीन बॉडी एंड. अरे भाई तुम्हें गोल नहीं दिख रहा है मुझे. सिक्स पैक. अरे भाई गोल वोल नहीं पढ़ने तुम्हारे मुझे यार. लोगों को लग रहा है मैनिफेस्ट कर दो यहाँ पे. अपूर्व के मुंह से जाएगा भगवान रैप्स बनवा देगा. अरे ओह क्या टाइम हो गया, 10:54. ठीक है फटाफट दो तीन और पढ़ते हैं. भाई तुमने तो सारी सबने ही लिख दिए थे क्या? मुझे लग रहा है टू गेट इंटीमेट विद माई पार्टनर इन अ ओपन बाथटब वेयर समवेयर इन द हिल्स. हाँ तो सी प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है फैंटेसी, प्रॉब्लम है पैसा नहीं है तुम्हारे पास. क्योंकि पैसा होगा तो ये अचीवेबल है. आपने सारे यही सीन देखे ना महचो एनिमल के, सारे सेक्स वाले सीन आपको एनिमल के पता है. गंदा इंसान हो सर. हो गया ना भाई सबका, बस आखिरी है ना ये, और किसी को नहीं जाना. उसके बाद 10 मिनट की एक बिट है ठीक है ना, फिर करेंगे. हो अरे चुटकुले भाई, विद स्मॉल ऊ नॉट बड़ा ऊ. सोलो ट्रिप बाइक राइड सेक्स विद एक्स. मैनिफेस्टेशन इज रियल ब्रो, मैनिफेस्टेशन इज रियल. वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. वो पॉल कॉलो ने बोला था ना कि